नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, सभी के लिए, चाहे आप एनटीपीसी लेवल 1, ग्रुप D और एसएससी एग्जाम्स के लिए सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 10 लेकर आएँ। जी फ्रेंड्स, आज के इस टेस्ट के अंदर हमने सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम यहाँ पर आपके लिए डेली 3 से 4 जर्नल अवेयरनेस के और जर्नल साइंस के यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके एक लाइक से ये वीडियो जो है काफ़ी बच्चों तक पहुँचती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ताकि आपके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके। तो सभी हमारे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज के 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट रहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, बताइएगा क्या है। ऑक्टेन यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है जी कौन सा हो जाएगा, मीथेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है जी, कौन सी है, मीथेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अपघटन के कारण उत्पन्न गैस जो है मीथेन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैसोहोल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है गैसोहोल, बताइएगा जी किसका होता है, गैसोलिन और एथेनॉल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गैसोलिन और एथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहोल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा कौन लाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड को प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानून अनिवार्य कर दिया है, किसने किया है, चलिए देखिएगा जी ब्राज़ील देश ने अनिवार्य कर दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, चलिए देखिएगा जी प्राकृतिक गैस यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है, चलिए देखिएगा पेट्रोल का, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बताइएगा बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है, बताइएगा कौन सी आती है, चलिए देखिएगा मीथेन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो प्रयोग में होती है, कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, चलिए देखिएगा जी ब्यूटेन गैस जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है सिगरेट लाइटर के अंदर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके उपघटन से प्राप्त होती है, किसके उपघटन से प्राप्त होती है जी, देखिएगा मीथेन से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है, चलिए देखिएगा धान का खेत होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, धान का खेत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है, बताइएगा प्राकृतिक गैस और बायोगैस में दोनों में कौन सी गैस होती है, चलिए देखिएगा जी कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा फ्रेंड्स एथाइन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है एथाइन, किसका है, त्रिआम्बंद वाले यौगिकों का उदाहरण होता है एथाइन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आता है, बताइएगा कौन सा प्रयोग में आता है, चलिए देखिएगा एसिटिलीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा सीएनजी क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा जी क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सीएनजी की फुल फॉर्म है
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। सीएनजी में क्या होता है बताइएगा, क्या होता है CH4 होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा गैसोहोल है, गैसोहोल किसका मिश्रण है बताइएगा, किसका है, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा शीशा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है बताइएगा, शीशा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है। चलिए देखिएगा, एल्कोहल के उत्पादन में सबसे अति उत्तम कच्चा माल होता है शीशा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर क्या देता है, चलिए देखिएगा जी एस्टलिन देता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है बताइएगा जी, कौन सा प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस एस्टलिन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंधे होते हैं, यह कथन सत्य है बेंजीन के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल में किसे मिलाकर जहर बनाया जाता है, चलिए देखिएगा मेथेनल और पिरिडिन को मिलाकर जहर बनाया जाता है एथिल एल्कोहल के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, चलिए देखिएगा ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडेन गैस एलपीजी मिश्रण है, इंडेन गैस किसका मिश्रण है जी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है इंडेन गैस, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है बताइएगा, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है, चलिए देखिएगा जी तरल के रूप में भरी जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तरल रूप में भरी जाती है सिलेंडरों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है बताइएगा, कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मिलता है, चलिए देखिएगा जी फ्रेंड्स, देखिएगा कार्बन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है बताइएगा, किसका उदाहरण है, चलिए देखिएगा जी किण्वन क्रिया का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है बताइएगा, डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है जी, सीटेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है डीजल की गुणवत्ता, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, चलिए देखिएगा मीथेन होता है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है बताइएगा, कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव कौन से होते हैं, चलिए देखिएगा जी फ्रेंड्स, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है बताइएगा, कौन सा रसायन होता है जी, देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड होता है जो फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइएगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, चलिए देखिएगा जी एस्टलिन उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन
फलों को पकने में बढ़ावा देता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन है जो फलों को पकने में बढ़ावा देता। चलिए देखिएगा जी, एथिलीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा ऑक्टोपस एक है, ऑक्टोपस क्या है बताइएगा जी, क्या है? मृदु कवची होता है जी फ्रेंड्स, ऑक्टोपस, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए देखिएगा जी, ऑक्टोपस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है, ऑप्शन डी, ऑक्टोपस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ प्राणी है, किसके संघ प्राणी? चलिए देखिएगा, तारा मछली जी, इकाइनो डर्मेटा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इकाइनो डर्मेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए देखिएगा जी फ्रेंड्स, केचुआ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी आंसर देंगे। बताइएगा कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? चलिए देखिएगा जी, तीन जोड़ी टांगे होती हैं कीटों के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक से ये वीडियो जो है काफ़ी बच्चों तक पहुँचेगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और सबसे पहले इस वीडियो का जो है आप फायदा उठा सकें। जी फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।